हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदार। तो आज मैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर जा रहा था, तो यहाँ पर आगे बहुत ही बड़ी एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है जो अभी आप देख रहे हैं, और साथ में यहाँ पर एक कश्मीर घाटी की ओर एक ट्रक जा रहा था सामान से लदा हुआ, और यहाँ से वो चिनाब रिवर में डूब गया, पूरा का पूरा चला गया। साथ में अभी आपको वो भी दिखाता हूँ और भी कहीं सारे आपको लेटेस्ट विजुअल्स आज के दिखाता हूँ। तो अभी हम इस गाड़ी में जा रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं सामने की ओर, और इसमें जो है लोकल पैसेंजर गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ों में भी चलती है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ही होकर जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ से पहाड़ आ रहे हैं पत्थर, यहाँ बहुत ही ज़्यादा पत्थर चल रहे हैं पहाड़ से, और यहाँ से हमें रिटर्न लेना पड़ा। आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने की ओर आप देख रहे हैं धूल चल रही है और यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें रिटर्न होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इस साइड बहुत ही ज़्यादा पत्थर चल रहे थे, तो अभी हमने यू टर्न लिया है। अब हम इस रास्ते से जाएंगे जो सामने की ओर आप देख रहे हैं मैत्रा से, सिंगल वे है ये। तो उस साइड से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था और पत्थर भी आ रहे थे पहाड़ों से। अब हम झूला ब्रिज से जाएंगे, ये सिंगल रोड कनेक्टिविटी है और झूला ब्रिज जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। इसकी रिपेयरिंग भी हुई है कुछ दिनों पहले ही, ये आप देख रहे हैं आगे, ये ऊपर से जो जा रहा है ये फोर वे जा रहा है कश्मीर के लिए, और इसके साथ में आगे आएगा झूला ब्रिज। ये है झूला ब्रिज जो आप देख रहे हैं, और ये सिंगल है, ठीक है, साथ में लकड़ी का है ये, इसीलिए इस पर जो कॉनवाई है वन साइड टू वन साइड रखी जाती है। इसके नीचे चलती है चिनाब रिवर। इससे पहले हम उस साइड से जा रहे थे जहाँ पर देखिए मिट्टी उड़ रही है, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा लगा वहाँ पर, और यहाँ पर कैफेटेरिया मोड़ है, टनल का भी काम लगाया हुआ, पर फिलहाल वो टनल अब कब पूरी होगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, पर फिलहाल मार्च 15 2024 की डेडलाइन रखी गई है। वो देखिए उस साइड से कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और यहीं से वो ट्रक गया था नीचे चिनाब रिवर जो जा रही है, इसी में और वो गुम ही हो गया, कहाँ चला गया। रेस्क्यू टीमें आज उसे ढूंढ रही थी पर वो अब तक मिला नहीं है, और ऊपर आप ट्रैफिक दे रहे हैं, इसी पहाड़ से पहाड़ आने के बाद उसे बचा और उसके बाद वो इस रिवर में चला गया, उसके बाद वो मिल ही नहीं पा रहा है। ये देखिए चिनाब रिवर, और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा खासा जाम लगा हुआ है आगे, और साथ में तो पूछे मत जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर है। अभी कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है, हम यहाँ से यू टर्न लेंगे इस साइड के लिए फिर से, और वहाँ से ऊपर इन पहाड़ों में जाएंगे। देखिए इतना बड़ा नेशनल हाईवे है और इस पर बनाए हुए हैं बैली ब्रिज, बेड़ा गर्क करके रख दिया बैली ब्रिज ने, सिंगल वे है, इस ब्रिज का काम चल रहा है। और ये देखिए 5 साल हो गए हैं, इतना सा मतलब 50 मीटर का ब्रिज है वो नहीं बन पा रहा है, वो भी सिंगल बना रहे हैं, डबल बनाते उसकी अलग बात थी। ये सारे के सारे कंपनी वालों ने बनाए हैं, जो अभी आप ये बैली ब्रिज देख रहे हैं ये सारे के सारे कंपनियों ने बनाए, नहीं तो यहाँ पर लकड़ी के पुल हुआ करते थे पहले। और यह है जसवाल ब्रिज जो चिनाब रिवर पर है, कनेक्टिविटी से आपको कश्मीर को भी कह सकते हैं क्योंकि यही एक ब्रिज है जो पूरे कश्मीर को जम्मू से कनेक्ट करता है चिनाब रिवर के साथ। आप जसवाल ब्रिज का व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो सामने चिनाब रिवर है। तो अभी आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, एंड नेशनल हाईवे जो है अभी तो फिलहाल खाली है, पर यहाँ से आगे 5 किलोमीटर का पूरा ट्रैफिक है। ये देखिए नेशनल हाईवे का खूबसूरत नज़ारा और खूबसूरत ट्रैफिक। ये जितना भी अभी आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये ट्रैफिक ही श्रीनगर के लिए है, ठीक है। आज की कॉनवाई जो थी वो श्रीनगर के लिए थी, और साथ में पहाड़ आ रहे थे कैफेटेरिया मोड़ के पास जो रामबन के साथ में पड़ता है, तो वहाँ पर पत्थर आने की वजह से जो है ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, और आराम आराम से गाड़ियाँ आगे निकल रही हैं, जिस तरह से जो पत्थर है नॉर्मल हो रहे हैं उसके बाद इस ट्रैफिक को आगे की ओर बहाल किया जा रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आने वाले खासकर टूरिस्ट हैं इस बार, और जो ये बसेस दिख रहे हैं ना आप सभी को, टेम्पो बसेस, इनमें खासकर टूरिस्ट हैं, ठीक है। इससे ऊपर का जो लिंक रोड निकलता है वो निकलता है हमारे पहाड़ों के लिए, जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। यहीं से ऊपर हम पहाड़ों में जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ठीक है। खुशी से आइए, माहौल भी एकदम ठंडा रहेगा और साथ में ट्रैफिक भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे की ओर आप देख रहे हैं पहाड़ों में गाड़ी चल रही है और काफी खतरनाक एरिया भी है। फाइनली हम कुछ ऐसी लोकेशन पर पहुंच आए, यहाँ का नाम है सल्दन,
लगभग 1 से 1.5 घंटा लगे हमें यहाँ पर पहुँचने का, और ख़ासकर ट्रैफिक में बहुत ही ज़्यादा तंग किया हमको। अभी देखिए हम कहाँ पर पहुँचाए, आपको यहाँ के आउटसाइड विजुअल्स दिखाऊँ तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा जंगल है। और आज की इस व्लॉग को हम यहीं पर अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।